सभी भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे पशुपालक से मिलवाएंगे जो कि देश में सीमा पे तो अपना जो काम है उसमें सक्षम होके रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन आज जो उनके पशु हैं जो कि ऐसी शो क्वालिटी की जो हीफर और एक मुर्रा नस्ल की जोटी है, इनके बारे में डिटेल से पूछें और अंकल जी से आपको मिलवाएं। उससे पहले मैं कहूँगा, जो भी पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आगे हम जो भी न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आगे हम इन पशुओं के बारे में जानकारी लेते हैं और हम आपको अंकल जी से मिलवाते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। अपना शुभ नाम क्या है? रमेश। रमेश, गांव कौन सा है आपका? बिगोवा। और तहसील कौन सी लगती है? चरखी दादरी। जिला चरखी दादरी। हाँ। तो आज अपने पास सेल के लिए कितने पशु हैं अंकल जी? ये चार पशु हैं जी। चार पशु। तो आप पहले सर्विस में थे? हाँ, फौज में। फौज में। तो अभी एक एक पशु के बारे में बताएं आप। सबसे पहले ये कटड़ी आपके घर की है या आपने खरीदी है? नहीं जी, ये मैं अपने दोस्त से लाया था। अच्छा अच्छा। अभी कितने टाइम की, कितनी एज होगी इसकी और कितने दिन की क्या बने कटड़ी? ये 7 महीने की। अच्छा, 7वें में। और मेरे को बुला ले, ये मेरा दोस्त से खरीदी। तो आपने आपके दोस्त से खरीदी थी? हाँ जी, ये मेरे दोस्त हैं। ठीक ठीक ठीक। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। शुभ नाम क्या है अपना? शुभ नाम दिनेश कुमार सन्नो गुलाब सिंह। हाँ जी। गांव सैदपुर। अच्छा, जिला गुड़गांव। जिला गुड़गांव। तो ये हीफर आपसे लिए अंकल जी ने? हाँ जी। और अभी आप बता सकते हो ये कौन से सीमन की कटड़ी है? ये कटड़ी जो है ये युवराज की है। हाँ जी। ये जो कटड़ी है, हाँ हाँ, ये जो लक्ष्मी बैफलो थी, हाँ हाँ, 25 लाख की बिकी। बिल्कुल बिल्कुल। उस हीराबुल की, हाँ हाँ, सिंगवा खास में। सिंगवा खास से। हाँ जी हाँ जी। ठीक जी। हीराबुल की वीडियो अपने चैनल पे पहले भी आ चुकी है भाई साहब, काफी अच्छे रिकॉर्ड की भैंस का बुल है। और साथ ही में ये आप भैंस भी देख पा रहे हो अंकल जी के पास, ये भैंस भी है। ये भैंस कौन से ब्यात में है? ये अभी थर्ड इलेक्ट्रेशन में ब्याएगी। थोड़ा इस साइड हो लो अंकल, आप इसका फेस दिखने दो। थर्ड इलेक्ट्रेशन में बच्चा देगी। अच्छा, फर्स्ट इलेक्ट्रेशन की इसकी ये बच्ची है। हाँ हाँ, ये कटड़ी है साथ में। फर्स्ट इलेक्ट्रेशन में इसने, ये M29 की है। अच्छा अच्छा। फर्स्ट इलेक्ट्रेशन में इसने 18 दूध दिया। 18 से 19 के जी दूध दिया। सेकेंड इलेक्ट्रेशन में ये 10577 से क्रॉस थी। अच्छा अच्छा। जो कटड़ा हुआ वो 2.5-3 महीने का होके मर गया। अच्छा, जब पिक पे आई, हाँ हाँ, तो 24-25 किलो दूध इसने निकाला था। निकाला। अच्छा अच्छा। तो अभी ये लाडला से क्रॉस है। अच्छा, लाडला से क्रॉस है। तो भाई साहब आप सर्विस करते हो? हाँ, मैं सर्विस पे हूँ। किस पोस्ट पे सर्विस करते हो, कहाँ पे हो? मैं गुड़गांव हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस में। पहले आप फौज से रिटायरमेंट हो? मैं भी फौज से रिटायर। ठीक ठीक ठीक। तो ये फौज से ही हम दोस्त थे। अच्छा, दोस्ती फौज से ही शुरू हुई थी। वैसे भी हमारे चैनल को काफ़ी फौजी भाई फॉलो कर रहे हैं, तो वो इस जोड़ी को ध्यान से देखें। साथ ही में मैं आपको एक एक एनिमल को आगे चला के और खोल के दिखाता हूँ और डिटेल से इनके बारे में जानकारी। तो जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं देश विदेश में, मैं कहूँगा कि देखिए, अच्छे अच्छे एनिमलों का जो शौक है वो युवाओं में भी देखने को मिल रहा है। साथ ही में जो ये जोड़ी आर्मी से रिटायरमेंट के बाद भाई साहब हरियाणा पुलिस में, दिनेश भाई साहब जो जॉब कर रहे हैं, इन्होंने आपको ये कटड़ी दिखाई है कैमरे के सामने। तो एक बार इसको चला के दिखाओ भाई साहब। अभी तक हीफर की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है चैनल के ऊपर, लेकिन जिस हिसाब से देखा जाए कटड़ी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की। साथ ही में जो युवराज जो कि चैंपियन रह चुका है, और ऐसे पशुओं के जो सीमन कलेक्ट करके और जो ब्रिड पे काम करने का काम है उसी के अंदर आप ये हीफर देख पा रहे होंगे। हाइट काफ़ी ज़्यादा है। ये धारा जो है, धारा धारा, अच्छा, शेरबाज खान दारा दारा दारा, अच्छा, उसका सीमेंट्स रखवाया दारा, जो LDF वालों का बुल है काफ़ी अच्छा दारा। और मैं कहूँगा कि मोदी, ये दो बुल ऐसे हैं इनको शायद ही कोई पशुपालक होगा नहीं जानता होगा, क्योंकि काफ़ी चुनिंदा और सिलेक्टेड बुलों में से हैं जो कि अब की बार जगराओं के अंदर मोदी भी पहले नंबर पर रहा है। अच्छे अच्छे बुल हैं, उनके सीमन रखवाना, और अच्छे जो बड़े पशु नहीं खरीद सकते जो, क्योंकि आजकल रेंज है वो काफ़ी बढ़ रही है, उसी के कारण पशुपालक हैं वो कटड़ियाँ लेने के लिए हीफर की डिमांड कर रहे थे। लेकिन मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ कि कम रखें लेकिन अच्छे और सिलेक्टेड पशु रखें। उसी के अंदर आप देख पा रहे हो लक्ष्मी जो कि 25 लाख रुपए की बिकी थी, और उसका जो ब्लड लाइन से है ये कटड़ी हीराबुल की। तो भाई अभी इसकी वैसे एज कितनी होगी? इसकी एज
32 महीने हुई है। 32 महीने। और प्रेग्नेंट कितने दिन की है? प्रेग्नेंट तीसरे महीने में चल रही है। 3 महीने की। बांध लो भाई। तो कटड़ी यंग है और मैं कह रहा हूँ कि जैसे केयर है उस हिसाब से आपको शरीर से लग भी रहा है, मस्ती कर रही है। तो पशुपालक भाई, दोनों कटड़ियाँ काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। साथ ही में जो मुर्रा के बारे में पूछते रहते हैं पशुपालक भाई, हर रोज़ वीडियो बना रहे हैं। एक थोड़ा सिंपल है क्योंकि फौजी आदमी ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं करता। अगर कटड़ियों की कटिंग हो जाती तो और भी ज़्यादा इनकी क्वालिटी दिखने लगती। लेकिन मैं कहूँगा कि जो ये कटड़ी है कंपटीशन के लायक पशु हैं। थोड़ा कटिंग वगैरह होती तो इनका रूप है वो ओरिजिनल दिख जाता। साथ ही में जो भाई अच्छी जो ब्लड लाइन से पशु तैयार कर रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि ऐसी जो ये जोटी है इसमें जो मुर्रा के करेक्टर कम्प्लीट हैं और हाइट और लेंथ काफ़ी ज़्यादा है। तो भाई साहब इसके बारे में बताएं, इस जोटी के बारे में डिटेल और भी। ये फर्स्ट लैक्टेशन में मैंने रमेश जी को दी थी। अच्छा, आप ही के पास से ली थी? मेरे पास से ली। ठीक। तो आपके घर की कटड़ी है, आपने खरीदी थी? मेरी बहुत पुराने, इसका खरना चल रहा है, पेडिग्री जिसको बोलते हैं। हाँ, बहुत पुराना खरना है मेरा। अच्छा, हाँ, हरियाणा में जो अच्छे अच्छे पशुपालक पशु तैयार करते थे और वो उस पेडिग्री को मैंने अभी भी बरकरार मेरे घर पे। अच्छा अच्छा, तो वो हरियाणा के अंदर अभी जो ब्रीडर हो गए और मैं कहने लगा ब्रीडिंग करने लगे तो उन भाइयों को ये जो खरना है समझ नहीं आएगा, लेकिन जो हरियाणा के अंदर जो हमारे बुजुर्ग थे वो अच्छे पशु रखते थे, वो जो ब्रीडिंग है उसको खरना बोलते थे। तो देखिए जो इसकी अडर की क्वालिटी है, अभी भी 15 किलो दूध तैयार बता रहे हैं। साथ ही में जो पुट्ठे की चौड़ाई और जो हम हर रोज़ वीडियो बना के जो पशुपालकों हैं उनको जागरूक करना चाहते हैं उसी के अंदर जोटी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की, हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है, टेल में कुछ ही बाल वाइट हैं। मैं फिर से कहूँगा कि अगर एक बात देखी जाएगा, अगर कटिंग हो जाती तो पशु काफ़ी अच्छे दिखते और भी, लेकिन केयर काफ़ी ज़्यादा है उसी के कारण भी। देखिए इनका कलर है बिल्कुल जेड ब्लैक कलर। और मैं कहूँगा कि जो एक सेवा भाव जो आर्मी में देश के लिए करके आया है वो पशुओं का कितना कर रहा है वो आप पशुपालक भाई देख रहे हैं। साथ ही में ये इसी की फर्स्ट लैक्टेशन की, ये कटड़ी इसी जोटी की जिसने अच्छे रिकॉर्ड की जोटी है, इसके साथ की पिछले ब्यात की कटड़ी M29 की। तो जो भी भाई इस वीडियो को देख पा रहे हैं, काफ़ी पशुपालक पूछते हैं कि हरियाणा के पशु ही ज़्यादा दूध क्यों निकालते हैं, उन भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा अभी जो कैमरे के सामने आप पशुओं की एक्टिविटी देख रहे हो ये अदर स्टेट में कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि जो हरियाणा का एक आम पशुपालक है, किसान है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है और उसका आपको कैमरे के सामने जो पशु हैं वो अभी आपको क्लियर देख रहे हैं, क्योंकि जो अभी इनकी जो एक पशु के अंदर आरामदायक और मैं कहूँगा कि जो इसको बैठने की जगह है अभी पूर्णतः ये पशु है, इन्हें खाना कम भी दिया जाए तो भी ये रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यहाँ के किसान मेहनत करते हैं उसी का कारण है और अदर स्टेट में ये मेहनत नहीं हो पा रही। लेकिन धीरे धीरे वीडियो के जरिए जो युवा पशुपालक काम कर रहे हैं इस फील्ड में वो भाई यहाँ वीडियोज के जरिए जो पशु देख रहे हैं उसी हिसाब से रखने की कोशिश करें, ताकि हर वो पशुपालक आगे बढ़ के पशुपालन में आए और दो पैसे एक आम किसान जो पशु खरीद रहा है उसको बचने चाहिए। तो जो भी भाई अभी पशुओं के बारे में जानकारी लेना चाहता है, मैं रमेश अंकल का नंबर दे रहा हूँ, क्योंकि भाई तो अभी हरियाणा पुलिस की ऑन ड्यूटी कार्यरत हैं तो ड्यूटी के टाइम पे फ़ोन ज़्यादा परेशान करेंगे। और पशुपालक भाई ये ना सोचे, क्योंकि फौज की जोड़ी है ये मेरे हिसाब से जब तक है साथ ही रहेगी। तो पशुपालक भाई मैं स्क्रीन पे इनका नंबर भी दे रहा हूँ, अपना नंबर बता दो अंकल जी। 28 हाँ 97 28 97 28 26 26 30 30 80 80। एक नंबर और बता दो व्हाट्सएप वगैरह का। 83 96 80 88 81। तो जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं, भाई साहब आप जो आजकल के युवा हैं पशुपालन में जो आ रहे हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगे? उनको हम एक ही संदेश देना चाहते हैं। हाँ हाँ, अच्छे पशु रखें, अच्छी उत्तम नस्ल के सीमेंस रखवाएं। हाँ हाँ, इनको अगले टाइम के लिए जैसे भी रखेंगे हम मोदी का सीमेंस। तो जो भी भाई वीडियो देख रहे हैं मैं कहूँगा कि फौज की इस जोड़ी को हम सलाम करते हैं और जो भाई
विदेश में बैठे वीडियो देखते हैं उन भाइयों का हम तय दिल से धन्यवाद करते हैं। साथ ही में हमारी जो ये मुहिम है कि हम पशुपालक को आगे लेके आए, क्योंकि ब्रोकर सिस्टम को ख़त्म करके हम एक से एक शानदार पशु आपको दिखाना चाहते हैं, उसी मुहिम के अंदर आपको ये हीफर दिखा रहे हैं। और एक साथ मेरे हिसाब से इतने सिलेक्टेड बुलों की कटड़ियाँ, ये युवराज बुल की कटड़ी है, ये लक्ष्मी का बेटा जो हीरा है उसकी ब्लड लाइन से कटड़ी है, और ये जोटी काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड के साथ है। तो जो भी भाई इनके बारे में जानकारी लेना चाहता है और अगर ये सेल के लिए हैं तो भी इनसे संपर्क कर सकते हो, क्योंकि इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है। जो भाई देश विदेश में वीडियो देखते हैं सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद। लास्ट में सभी भाई जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर हमारी वीडियोज़ अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी भाइयों को मंजीत यादव की तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, राम राम।